से पक्षपातपूर्ण भेदभावपूर्ण तरीके से राजनीति की जा रही है, ये खुला उदाहरण है। पता नहीं, ये तो एक ओपन चीज हुई है। तुर्की में बॉम्ब और किस तरह से फोड़ा गया होगा हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि सत्ताधीश जो सत्ता के शासन में आने के पश्चात सत्ता के लालच में आप आतंकवाद की बात करते हो, क्या ये राजनीति है? आप तो राजनीति में भी नहीं रहे हो। जब आप राजनीति में नहीं हो तो राजनीति की बात क्यों करते हो? क्यों क्षेत्रवाद की बात करते हो? क्यों जिला मुख्यालय पर उत्थान की जब बात आती है तो आप विपरीत बात करना शुरू कर देते हो? हमने पूरे जोर शब्दों से इस बात का विरोध किया है कि इस प्रकार की क्षेत्रवाद की राजनीति हम कदापि सहन नहीं करेंगे। और हम राजभवन की जो एकत्रित जनता है, राजनीति से ऊपर उठ करके एक मत होकर के एक आवाज में ये कहते हैं जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हमने मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति की राजभवन की तरफ से जो ज्ञापन तैयार किया है वो ज्ञापन को मैं वाचन कर रहा हूँ। आज की जिला चिकित्सालय राजभवन के लिए मेडिकल कॉलेज जोधपुरिया में स्थापित किए जाने बाबत विषय अंतर्गत निवेदन है की कार्यालय जिला कलेक्टर राजभवन के पत्र क्रमांक 5/2020 द्वारा ग्राम देवपुरी और मजिया की कुल 75 बीघा भूमि चरागाह से खारिज करके चिकित्सा शिक्षा विभाग राजकीय जिला चिकित्सालय राजभवन को मेडिकल कॉलेज हेतु 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई है। दिनांक 11/2020 को राजस्थान पत्रिका में खबर प्रकाशित हुई कि विशेषज्ञों ने बताया कि उक्त पैरा संख्या 1 में वर्णित आवंटित भूमि पर मेडिकल कॉलेज निर्माण में लागत अधिक आ रही है, जिससे अब प्रशासन नाथद्वारा में दूसरी जगह जमीन तलाश रहा है। अर्थात मेडिकल कॉलेज अब नाथद्वारा चिकित्सालय में होगा। हम इसका घोर विरोध करते हैं। मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय जिला चिकित्सालय के बजाय अन्यत्र स्थापित करना अन्यायपूर्ण व हमारे हितों के विरुद्ध है। जब एक बार सरकार ने देवपुरिया बजाय की 75 बीघा जमीन राजकीय जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज हेतु आवंटित कर दी तो अब झूठे रूप में अधिक लागत का बहाना करके नाथद्वारा जगह तलाश करना अनुपयुक्त व हमारे यहाँ की जनता के साथ झूठा लगाते हैं। मेडिकल कॉलेज कहीं पर भी बनाओ लागत समान आएगी। यदि अन्यत्र जगह तलाश करनी है तो नाथद्वारा क्यों? शंकरपुरा देवड़ी जो आरती हॉस्पिटल के निकट है उसका सैकड़ों बीघा जमीन सरकारी निजीवान है, तो नाथा द्वारा मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात क्यों और किसके लिए की जा रही है? मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ जमीन चाहिए, जिला चिकित्सालय 200 एकड़ होना चाहिए। आरके जिला चिकित्सालय के पास वर्तमान में 17.263 एकड़ जमीन है तथा 150 से स्वीकृत है, 50 बेड एमसीएच के स्वीकृत है। इस प्रकार आरके जिला चिकित्सालय में 200 शैया व्यवस्था विद्यमान है। सभी परिस्थितियों के मद्देनजर देवप्रिय बाजार में मेडिकल कॉलेज हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग राजकीय जिला चिकित्सालय राजभवन को मेडिकल कॉलेज हेतु जमीन आवंटित की गई तो अब राज्य सड़क विकास प्राधिकरण RSRDC के द्वारा खर्चीला बदलना काल्पनिक तो अन्य उद्देश्य से प्रेरित है। हमारी प्रथम मांग यही है देवप्रिय बाजार में आवंटित जमीन पर ही मेडिकल कॉलेज बने। किसी कारण से पैरा संख्या 1 में वर्णित जगह पर मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता तो निम्नलिखित तरीका अपनाया जाए। आरके हॉस्पिटल में 200 बेड की व्यवस्था है जिसे मेडिकल कॉलेज आरके चिकित्सालय में स्थापित किया जाए। आरके चिकित्सालय के पास वर्तमान में 17.263 एकड़ भूमि विद्यमान है। शेष 3 एकड़ भूमि शंकरपुरा के आरजी नंबर 68/79/70 में से ली जा सकती है जो वर्तमान में रिक्त है, जिसे पूर्व में बालिका महाविद्यालय तो रिजर्व की गई थी किंतु बालिका महाविद्यालय अन्यत्र व्यवस्था हो गई। शंकरपुरा वाली जमीन में समस्या हो तो MD में सैकड़ों बीघा विद्यमान है और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो सकती है। मेडिकल कॉलेज हर हाल में जिला मुख्यालय पर रखा जाए, अन्यत्र नहीं बनाया जाए। जिले की जनता को सारी चिकित्सा सुविधाएं मुख्यालय पर ही उपलब्ध हो सके, अतः हमारी मांग है कि पैरा संख्या 4 या 5 में मेडिकल कॉलेज।